प्रेम से बोलिए श्री आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ यदि गृहस्थाश्रम का त्याग नहीं किया गया तो साधना में विक्षेप आता ही है, क्या करें? माँ, तुम साधन भजन शुरू तो करो, पहले एक बार विक्षेप को आने तो दो, विक्षेप हटाने की बात पीछे, रास्ते में बिना चले ही विक्षेप की बात क्यों लाते हो? यही मुश्किल बात है। पहले से ही तुम विक्षेप का ध्यान करते हो, इसलिए जैसा ध्यान करते हो वैसा पाते हो, विक्षेप का ध्यान कर रहे हो इसलिए वही पा रहे हो। ध्यान करना है तो भगवान का ध्यान करो। ख्याल रखना चाहिए कि 24 घंटे अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रहे। ध्यान से लक्ष्य पूर्ण होता है। लक्ष्यपति भगवान हैं, वही सबका लक्ष्य पूर्ण करते हैं। प्रश्नकर्ता, मां लक्ष्यपति माने क्या? मां, स्वयं भगवान ही पूर्ण करते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अखंड ज्ञान, अखंड जप, अखंड स्मरण से क्या होता है? अखंड प्रकाश, अखंड भगवान की प्राप्ति होती है। प्रश्न करता, मां क्या एक ही जन्म में लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है? मां, जन्म तुम किसको कहते हो? जन्म कितना लंबा चौड़ा है? प्रश्न करता, बहुत छोटा। मां, यदि भगवान की कृपा हो जाए तो एक क्षण में भी लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है। प्रश्न करता, मां ऐसी कृपा कैसे हो? मां, तुमने अभी बीज तो बोया नहीं, फिर फल की आशा कैसे कर रहे हो? प्रश्न करता, मां बीज ही कहीं मिलता नहीं। मां, बीज कहीं मिलता नहीं यह बात गलत है। प्रश्न करता, मां आपकी बिना आज्ञा कैसे हो सकता है? मां, तुमको आज तक जो जो आज्ञा मिली उनको पहले अमल में लाओ। सब काम में फुर्ती आनी चाहिए, ढील ढाल से ढीला हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए हमेशा फुर्ती से चलना चाहिए। प्रश्न करता, किसी भी परिस्थिति में हिंसा करनी चाहिए कि नहीं? मां, हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न करता, मां फिर पिस्तौल रखने की क्या आवश्यकता है? मां, भगवान पर निर्भर रहना ही सच्ची पिस्तौल है। प्रश्न करता, मां फूल तोड़ना क्या हिंसा नहीं है? मां, फिर कोई पूछेगा क्या साग खाने में हिंसा नहीं है? जब तक साग खाने में हिंसा मालूम ना पड़े तब तक फूल तोड़ सकते हो। प्रश्न करता, मां क्या मछली खाने में हिंसा नहीं है? मां, जिस देश में मछली फल साग इत्यादि खाते हैं वहां यदि हिंसा दृष्टि से देखें तो हिंसा ही है। दूसरी दृष्टि से प्राण रक्षा के लिए जो लोग लेते हैं उसमें हिंसा नहीं है। यदि भगवत प्राप्ति के लिए प्राण रक्षा करना है तो ठीक है। इस शरीर ने सुना है कि जैन धर्म में रात में खाने की मनाई है, क्योंकि रात में कीट पतंग आदि की हिंसा होने की संभावना है। शास्त्र का विधि निषेध मानकर चलोगे तो सब पता लग जाएगा। यदि हिंसा का विचार करने जाओ तो किसमें हिंसा नहीं है? बीमारी के समय दवा लेते हो उसमें भी हिंसा है, इंजेक्शन लेते हो उसमें भी हिंसा है। कौन कर्म करना चाहिए और कौन नहीं करना चाहिए उसका भी नियम है। फिर ऐसा भी एक नियम है, आतुरे नियमो नास्ति। आपदकाल में नियम का अपवाद हो सकता है। बीमारी की अवस्था में नियम का पालन ना भी करे तो क्षम्य है। पशु वध भी हिंसा ही है। भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न नियम होता है। जैसे बंगाल में नियम है कि कुर्ता पहनकर पूजा नहीं हो सकती, परंतु यदि पहाड़ी प्रदेश में जाओ तो कोट पजामा टोपी आदि पहनकर पूजा की जाती है। किस देश में क्या नियम पालन करना चाहिए यह सब शास्त्र में लिखा है। भगवत प्राप्ति के लिए भी उसके अनुरूप आहार विहार वस्त्र धारण इत्यादि का नियम होता है। भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ किया जाए सब ठीक है।
नियम भी अधिकार के अनुसार होता है। अधिकार प्राप्त होने से सब वस्तु प्राप्त होती है। जिसको जिस बात में हिंसा मालूम हो उसके लिए उसी में हिंसा है। यदि हिंसा को विचार की दृष्टि से देखोगे तो सभी बातों में हिंसा आएगी। प्रश्न करता, माँ यदि मेरा विदेश जाना हुआ तो क्या मुझको मछली मांस आदि नहीं खाना चाहिए? यदि आवश्यकता हो तो भी नहीं खाना चाहिए क्या? माँ, यदि तुम समझो कि इसके खाने से तुम्हें भगवत प्राप्ति में सहायता मिलेगी तो खा सकते हो। जिस चीज का तुम जैसे उपयोग करोगे वैसा फल मिलेगा। यदि तुमको मांस मछली खाने की आदत ना हो तो मत खाना। विदेशी लोग यदि मांसाहार करते हो तो करने दो। उस देश के हवा पानी में मांसाहार उन लोगों को अनुकूल आता है। विदेशी लोग उस देश में जन्मे हैं, इसलिए वे खाएं तो भले खाएं, उनकी उसमें आपत्ति नहीं है। तुम्हारा जो नियम है उसका तुम पालन करो। जो खाने से जो पीने से भगवत प्राप्ति हो वैसा करो। तुमको विदेश जाने से यह सब खाना ही पड़ेगा, वैसा कोई नियम तो नहीं है। भगवान के जो भक्त लोग विदेश में जाते हैं वे वहां भी भगवान को भोग लगाकर ही खाते हैं। वहां जाकर जो लोग मछली मांस खाने के अभ्यासी हो जाते हैं वे तो लालच से जीभ के आस्वाद के लिए खाते हैं। प्रश्न करता, माँ चलते फिरते क्या ऐसा ख्याल रखना जरूरी नहीं है कि मेरे पैर के नीचे कोई जीव जंतु चींटी आदि कुचल के ना दब जाए? माँ, यदि ऐसा ख्याल रहे तो बड़ी अच्छी बात है, मगर इससे भी अच्छा ख्याल यह है कि चींटी जीव जंतु आदि भी सब भगवान के ही स्वरूप हैं। यदि पैर के नीचे दब जाएं तो भगवत बुद्धि से उनको नमस्कार करो। प्रश्न करता, माँ दूध भी तो रक्त का ही एक स्वरूप है ना? माँ, गाय की सेवा करके गौ माता का दूध लेना चाहिए, गाय का ऋणी बनकर दूध नहीं लेना चाहिए। दूध पीने में हिंसा नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।